नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, शायद ये चीज आपको साधारण लगे, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये होता है। कितनी बार ऐसा होता है लाइफ में, हम बहुत अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमसे हो जाता है बुरा, क्योंकि हमें उस चीज का नॉलेज नहीं होता। तो आज दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, उसे आप विश्वास पूर्वक मानना और उसको फॉलो करना। इससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइबर से प्लीज वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि जब भी आप मंदिर जाकर के आते हैं या पूजा से उठते हैं, तुरंत ही स्नान ना करें, मुंह हाथ ना धोए। आप देखना, जब इंसान शमशान जाकर के आता है, कहीं सूतक से वापस आता है, तो तुरंत मुंह हाथ धोएगा, कुल्ला करेगा, उसके बाद वो घर के अंदर एंटर होता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से उस नेगेटिविटी को हटाता है। लेकिन जब आप मंदिर जाकर के आते हैं, जब आप पूजा करके आते हैं, मंदिर से आप तिलक लगवा करके आए हैं, आपके सिर पर, आपके मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ है, आप घर में भी पूजा में बैठे हुए हैं, आपके मस्तिष्क पर तिलक लगा हुआ है, ठीक है, आपके पूरी बॉडी में उस पूजा की पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव शक्तियां हैं। लेकिन जब आप उठते हैं और अपना मुंह धो लेते हैं, अपने ऊपर पानी छिड़कते हैं, जैसे आप ज्यादातर ऐसा होता है जैसे मंदिर दूर है, आप मंदिर से आए और तुरंत गए चौपड़ी में, पैरों में पानी डाला, मुंह धोया, ऐसा करने से जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं। और ये सिम्टम्स ही है पॉजिटिविटी को दूर कर दिया आपने। जब आप पूजा करके उठते हैं, कभी भी दोस्तों, जैसे कथा हुई, कोई पूजा ध्यान हुआ, कभी भी उस समय घर में झाड़ू ना लगाएं। उस समय यदि आप झाड़ू लगाते हैं दोस्तों, घर में झाड़ू लगाने का मतलब है आप घर की दरिद्रता को दूर करते हैं, जो भी दरिद्रता आपके घर में है। लेकिन पूजा के बाद यदि आपने ये कर दिया, तो जो पॉजिटिविटी आपके घर में फैली है वो पॉजिटिविटी चली जाती है। कितनी बार ऐसा होता है पूजा पाठ में जो चीज वस्तुएं जमीन में फैल जाती हैं, उन्हें कुछ लोग झाड़ू से साफ करते हैं। दोस्तों, कभी उन पर उनमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उन चीजों को हमेशा कपड़ों से साफ करें। कपड़ा ले लें, कपड़े से उन चीजों को बटोर लें और उसके बाद एक गीला पोता मार दें, झाड़ू कभी भी ना लगाएं। पूजा से उठने के बाद दोस्तों, कभी भी जो कपड़े आपने पूजा में पहन रखे हैं उसे तुरंत ना बदलें। उन कपड़ों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, पूजा की शक्तियां होती हैं। कितनी बार हम पूजा में कपड़े जो पहनते हैं, उठे तुरंत उन कपड़ों को निकाला और धोने में दे दिया और दूसरे कपड़े पहन करके हम बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ना करें। आपको जो कपड़े पहन करके बाहर जाना है, आप उन्हीं कपड़ों को पहले पहने, नहाए धोए उन्हें पहने और उसके बाद मंदिर में दर्शन करें, उसके बाद आप निकले। या घर में भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो सादे कपड़े आप पूजा पाठ के पहनते हैं उन्हें तुरंत कभी भी धोने में ना डालें। ये तमाम चीजें दोस्तों नेगेटिविटी को फैलाती है। और दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, मंदिर में यदि आप जाते हैं तो कितनी बार जो भगवान के आगे पुष्प चढ़े हुए होते हैं, बिली पत्र चढ़े हुए होते हैं, हम भावावेश में आकर के उसमें से एक आधा फूल उठा लेते हैं, बिली पत्र उठा लेंगे। जैसे कि हम मंदिर में आए तो हमें कोई चीज वहां से लेनी है, और जब हम प्रसाद भी, जैसे नारियल वगैरह हम मंदिर में देते हैं, तो पुजारी जी नारियल को फोड़ देते हैं, उसके बाद में वहां से माता जी के आगे से फूल उठाते हैं, नारियल के बीच में रखा और आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आप जब इस टाइप से कोई फूल घर में लेकर के आते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि आप उसका क्या करते हैं? लगभग वो फूल एक दो दिन आप अच्छी अच्छी जगह रखेंगे, धन स्थान में रख देंगे, पूजा के स्थान में रख देंगे, पर्स में रख देंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? थोड़ा सा सूखा तो उसको उठाकर फेंक दिया। अब आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि उस पुष्प को आपने कहाँ फेंका। ऐसे पुष्प किसी के पैर के नीचे पड़ते हैं, कचरे में जाते हैं, तो आप पाप के भागी बनते हैं। कभी भी दोस्तों, मंदिर में गए आप, दर्शन किया, आशीर्वाद लिए, बहुत हो गया, मंदिर से उन चीजों को आप ना उठाएं जिनका आप ध्यान नहीं रख सकते हैं,
जिनको आप पूरा मान सम्मान नहीं दे सकते हो। यदि कोई ऐसी चीज लेकर के भी आते हैं पुष्प वगैरह, तो आप उसे बहुत संभाल करके रखें। जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये बिखर रहा है या अब ये मुझे नहीं रखना है, तो उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, कभी भी यहाँ वहां ना जाने दें। और कितनी बार दोस्तों, यही मैंने देखा है कि मंदिर में जहाँ प्रसाद बट रहा होता है, या आप देखना मंदिर में जहाँ भोजन की व्यवस्था होती है, महाप्रसाद जिसे कहा जाता है ना, मंदिर में बांटा जाता है एवरीडे खाना पीना। कई मंदिरों में या तो जैसे पूनम पूनम को बांटा जाता है गुरुवार के दिन, जैसे साईं बाबा मंदिर में जाएंगे आप, गुरुवार के दिन खिचड़ी बटती है, भगवान श्री हरि के मंदिर में पूनम के दिन खाना बटता है, प्रसाद एवरीडे बांटा जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अतिशय खुद ने खाया वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसको लेकर के घर में आते हैं, घर के तमाम लोगों को भी खिलाते हैं। दोस्तों कभी भी ये चीजें इतनी ज्यादा ना लेकर के आए कि लाने के बाद आपको उसे फेंकना पड़े। कितनी बार लोग लालच में आ जाते हैं, इस मंदिर में खिचड़ी बट रही है, वहां बट रही, तो लाओ तपेली लेकर के जाए। अरे खाओ, जितना खाएगा उतना खाएंगे, बाहर गाय को खिला देंगे। ये भावना बिल्कुल भी ना रखें, ये प्रसाद है और इसको प्रसाद की तरह ही ग्रहण करें, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको आप मान दें, सम्मान दें। फिर आप देखना, कुछ लोगों का दोस्तों कुछ बाधा होती है, मान्यताएं होती है कि हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो हम मंदिर में भोजन करवा देंगे लोगों को, गरीबों को, या भोजन का दान करेंगे या जो भी। जब आप उस भोजन को जाकर के ग्रहण करते हैं तो आप उस व्यक्ति के ऋणी हो जाते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति पर्सनल किसी भी चीज का दान करता है तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखें उस दान को लेने के पहले कि ये चीज, ये व्यक्ति किसी न किसी चीज को उतार करके ही दे रहा है, या वो अपने किसी जन्मों के लिए अच्छे कर्म को प्राप्त करने के लिए वो दान कर रहा है, तो उसको वो चीज देने के लिए हमें दूसरी बार जन्म लेना होगा या हमको वो ये ऋण अदा करना ही करना है। किसी से भी कोई भी चीज का दान लेने से पहले दोस्तों हमेशा सोचना कि क्या आप उस दान का हक, उस दान का ऋण अदा करने को तैयार है। आप देखना दोस्तों, ब्राह्मणों में भी कुछ ऐसे ब्राह्मण है जो अलग टाइप का दान लेते हैं, पितरों का दान लेना, जब हम घर में जब किसी का मरण हो जाता है और जो हम पंडित बुलाते हैं और जो दान देते, तो हर पंडित वो दान नहीं लेता है, उसमें भी कहा जाता है कि हाँ ये पंडित ही इसका दान ले सकता है क्योंकि वो उसके भागी होते हैं। शिवलिंग के ऊपर आपने कोई भी चीज चढ़ा दी तो उतारने का जो धर्म है वो हर व्यक्ति का नहीं होता है, वो भी अमुक ब्राह्मणों के ही हाथ में होता है। ये बहुत ही साधारण सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप जब भी मंदिर में जाते हैं या मंदिर में बट रही चीजों को आप लेते हैं या मंदिर पर चढ़े हुए, भगवान पर चढ़े हुए पुष्प इत्यादि को आप उठाते हैं, बहुत सावधानी रखें। भगवान के आगे जाएं, माथा नमाएं, पैर छुएं, अपनी तरफ से जो अर्पित करना है करें, उनके आशीर्वाद ले लें, बस वही बहुत बड़ी चीज है। कितनी बार दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मंदिर से ज्योत लेकर के चले जाते हैं, जो भगवान के आगे ज्योत जल रही है उस ज्योत को दिए में जला करके अपने घर में जाकर के रख देते हैं, उसके बाद में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं जो मंदिर में उस ज्योत को जो मान सम्मान दिया जाता है, जो छुआछूत का ध्यान रखा जाता है, घर में उतना ध्यान नहीं रखा जाता। और जब आप ऐसा करते हैं तो पुण्य के बदले आप पाप में पड़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं दोस्तों, यूं तो मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा, तो अभी अभी के लिए इतना ही काफी है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप इनका जरूर ध्यान रखें, उपायों को करते रहें, सूचनाओं को ध्यान से सुनते रहें। जय श्री कृष्ण।